बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चचा के घर जिन्नात ने हमला कर दिया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप और आपके घर वालों पर सदा अपनी रहमत कायम रखे, आमीन। चंद दिन पहले की बात है कि मेरे चचा के घर जिन्नात ने हमला कर दिया। मैंने दो अनमोल ख़जाना पढ़ना शुरू किया और बाकी तमाम घर वालों को या कहारो पढ़ने को कहा और साथ में कभी कभी अजान भी देना शुरू कर देता। अचानक मेरे चचा के अंदर से जिन ने मुझसे बात की। इस जिन का कहना था कि हम इस घर में बहुत अरसे से रह रहे हैं और तुम्हारे चचा को इस घर में हरगिज़ नहीं रहने देंगे। मैंने कहा कि आप बेशक इस घर में रहें, मगर इनको क्यों तंग कर रहे हैं। मगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। मैंने ज़्यादा ऊंची आवाज़ में अजान देना शुरू की तो ऐसा लगा कि जैसे इस जिन को किसी ने बहुत ही ज़ोर से थप्पड़ मारा हो। मैंने इसे कहा कि क्या तुम हकीम मोहम्मद तारक महमूद मजूबी चगताई को जानते हो। खौफजदा होकर कहने लगा, हाँ जानता हूँ। फिर कहने लगा, हम इनकी वजह से ही तो भागे हुए हैं। मैंने कहा, तुम यहाँ से भी चले जाओ, नहीं तो मैं हकीम साहब को फ़ोन करके तुम्हारी यहाँ मौजूदगी का बताऊँगा। मैंने जैसे ही दफ्तर महनामा अपकरी का नंबर मिलाया, वो जिन जो मेरे चचा के अंदर से बात कर रहा था कहने लगा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपको तंग नहीं करना चाहता था। और वो वहाँ से चला गया। वाह वाला महनामा अपकरी फरवरी 2018। चलें जी, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। शेखुल वज़ाइफ की कौन सी किताब से ये वीडियो ली गई है, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाऊं, आप मुझे मशवरा भी दे सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।